दोस्तों, हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। रामायण में राम की पत्नी सीता, जिन्हें हम जानकी के नाम से भी जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था, कैसे वो राजा जनक के घर संतान के रूप में आई और कैसे माँ सीता बनी रावण के वध का कारण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, रामायण का मुख्य पात्र सीता एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें सभी को सीख मिलती है। सीता माता के चरित्र का वर्णन हिंदू धर्म के सभी वेदों में बहुत सुंदर शब्दों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी सीता को शक्ति स्वरूपा, ममतामयी, राक्षस नाशिनी, पतिव्रता आदि कई गुणों से सज्जित बताया गया है। इनके वनवास के बारे में तो आप जानते होंगे, जो इनके पत्नी धर्म को दर्शाता है। माता सीता के साथ रावण के कृत्य को भी आप जानते ही होंगे, जो उनकी पवित्रता को झलकाता है। लेकिन हम में से आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आखिर इस कन्या यानी माँ सीता का जन्म कैसे हुआ था। अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको धरती पुत्री के जन्म की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये कन्या रावण के वध का कारण कैसे बनी। तो चलिए फिर जानते हैं माँ सीता के जन्म की वो अनसुनी कहानी। क्या है सीता के जन्म की कहानी? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है जब मिथिला में भयंकर सूखा पड़ गया। लोगों के पास अनाज के दाने खत्म हो रहे थे। ऊपर से इंद्रदेव नाराज थे, जिसकी वजह से लोग खेती नहीं कर पा रहे थे और सूखे की वजह से आसपास के लोगों सहित पशु पक्षी भी मारे जा रहे थे। इस भयंकर सूखे को देखकर मिथिला के राजा जनक बहुत परेशान हो गए। उन्हें अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। अब वो किसी भी तरह से अपनी प्रजा को बचाना चाहते थे, इसलिए राजा जनक इस सूखे से बचने के लिए वाल्मीकि के पास जा पहुँचे। वाल्मीकि ने राजा जनक की परेशानी सुनी और सूखे से बचने के लिए राजा जनक को कहा कि उन्हें धरती पर हल चलाना होगा, यानी राजा जनक को खुद अपने हाथों से खेत जोतना होगा। ऐसा करने से उन्हें सूखे से राहत मिलेगी। राजा जनक ने ऐसा ही किया। अब वो खेत जोतने लग गए। राजा जनक खेत जोत ही रहे थे कि तभी एक तेज आवाज हुई। ये आवाज आसमान से नहीं बल्कि धरती से निकली। राजा जनक घबरा गए और तभी जिस खेत को राजा जनक जोत रहे थे उसमें एक दरार बन गई। जनक ने हिम्मत करते हुए दरार के अंदर देखा तो उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो चमकती हुई चीज एक सोने का बॉक्स थी, जिसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। राजा जनक ने हिम्मत करते हुए उस बॉक्स को उठाया और जैसे ही उन्होंने वो बॉक्स खोला वो हैरान रह गए, क्योंकि उस चमकते हुए सोने के बॉक्स में मोरनी सी आंखों वाली बहुत ही सुंदर कन्या थी। ये कन्या पूरी तरह से मिट्टी में लिपटी हुई थी, जिसका सिर्फ मुंह दिखाई दे रहा था। इस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने गोद में उठाया, वहाँ तेज झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस कन्या को गोद में लेते ही राजा जनक को एक पिता प्रेम का एहसास हुआ, क्योंकि जनक की कोई संतान नहीं थी और वो इस कन्या को देख इतने ज्यादा मोहित हो गए थे कि उन्होंने इसे अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम रखा सीता। वो इतनी ज्यादा सुंदर और आकर्षक थी कि राजा जनक जैसे ही उसे घर लेकर पहुँचे, जनक की पत्नी महारानी सुनैना खुशी से भर गई। राजा जनक का असली नाम सिराध्वज था और उनकी पत्नी का नाम महारानी सुनैना था और सीता अब इन दोनों की एकमात्र पुत्री थी। और धरती से निकलने की वजह से सीता को धरती पुत्री भी कहा जाता है। इसके बाद से ही राजा जनक ने सीता को बिल्कुल अपनी पुत्री की तरह प्यार किया और उसे दरबार में अपनी पुत्री होने का हक दिया। सीता भी अपने माता पिता के साथ पूरी तरह घुल मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, सीता के यहाँ पहुँचने के पीछे भी एक कहानी है। मेरा मतलब है, सीता जनक को जिस तरह से मिली, ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो क्या है वो कहानी, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि अगर रावण माँ सीता का हरण नहीं करता तो शायद भगवान राम उसे मारते भी नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के वध और सीता माता के जन्म से जुड़ी एक और कहानी है? और इस कहानी के अनुसार रावण का वध माँ सीता की वजह से होना ही तय था। अगर नहीं तो आइए उसे भी जानते हैं। वर्षों से चली आ रही इस कहानी को जानने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि माँ सीता कौन थी, वो कैसे राजा जनक के पास आ पहुँची
और आखिर वो क्यों रावण की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। अब वो कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल माँ सीता का उनके पिछले जन्म में नाम वेदवती था और उन्होंने पुनर्जन्म के रूप में रावण और मंदोदरी की बेटी के रूप में जन्म लिया था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो दरअसल सीता अपने पिछले जन्म में वेदवती थी और वेदवती नाम की ये जो कन्या दिखने में बहुत सुंदर हुआ करती थी, उसकी मोरनी सी आंखें, छोटे से होठ और लंबे बाल और गोरा रंग किसी को भी पागल करने के लिए काफी था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। वेदवती बचपन से ही एक सपना देखा करती थी कि वो भगवान शिव की पत्नी बने। वेदवती चाहती थी कि वो हर जन्म में भगवान शिव की पत्नी बने और वो भगवान शिव की उपासक भी थी, यानी वो भगवान शिव की आराधना किया करती थी। जैसे जैसे वेदवती बड़ी होती गई, भगवान शिव से उसकी शादी करने की इच्छा भी बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उसने इस दुनिया को त्याग कर एक तपस्वी बनने का सोचा और दुनिया, घर परिवार सबको छोड़कर जंगलों में चली गई। यहाँ वेदवती ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। एक बार की बात है, जब वेदवती अपनी तपस्या कर रही थी तभी वहाँ से रावण का गुजरना हुआ। ओम नमः शिवाय की आवाज जब रावण ने सुनी तो वो वेदवती की तरफ जा पहुँचा और इतनी खूबसूरत लड़की को तपस्या करता देख रावण पागल हो गया। वेदवती अपने ध्यान में लीन थी। इधर वेदवती की खूबसूरती ने रावण को पागल कर दिया और उसने तुरंत वेदवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रावण के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वेदवती को गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्से को शांत करते हुए रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वेदवती के ना करने के बाद भी रावण नहीं माना और जबरदस्ती वेदवती को अपना बनाने का सोचने लगा और उसके साथ दुस्साहस करने लगा, जिसके बाद वेदवती ने आत्मदाह करने की ठान ली। और देखते ही देखते वेदवती ने रावण से बचने के लिए अग्नि कुंड में कूद कर अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो कहानी की शुरुआत थी। दरअसल हवन कुंड में कूदने से पहले वेदवती ने रावण को एक श्राप देते हुए कहा कि रावण को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और वो खुद अपने अगले जन्म में रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी, साथ ही रावण की मौत का कारण भी बनेगी। इतना कहते ही वेदवती ने कुंड में छलांग लगा दी। समय बीतता गया और अब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी। पत्नी के गर्भवती होते ही कहीं ना कहीं रावण को डर सता रहा था। और कुछ समय बाद जब मंदोदरी ने एक बेटी को जन्म दिया तो रावण बुरी तरह घबरा गया। रावण को समझ आ गया था कि ये उसकी बेटी नहीं बल्कि वेदवती है, और इस वजह से रावण ने अपनी मौत के डर से अपनी पुत्री को समुद्र में बहा दिया। लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है, रावण को लगा कि खतरा टल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। समुद्र के गहरे पानी में डूबती ये कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वो कन्या सीता के रूप में जानी गई। और बाद में इसी सीता को अगवा करने के कारण भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और लंका को भी खत्म कर दिया। तो इस तरह माँ सीता बनी रावण के वध का कारण, यानी अगर रावण उस दिन वेदवती के साथ दुस्साहस नहीं करता तो वेदवती या सीता उसकी मौत का कारण नहीं बनती। वैसे आपको बता दूं कि माँ सीता ने जिस तरह धरती से जन्म लिया, ठीक उसी तरह उन्होंने अपने आप को माँ धरती को सौंप दिया था। अगर आप सीता माँ के खुद को धरती में सौंपने की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।